बहुत सारे लोग यहां पे आके फेल हो जाते हैं। क्या करते हैं वो मानते हैं कि हाँ मालिक तो एक है, सबका मालिक एक। वो मानते हैं कि हम सब इंसानों का पालनहार बनाने वाला एक ही है। लेकिन जब पूजा की बात आती है तो वो कहते हैं कि हम पूजा उसकी करेंगे। अब जरा सोचिए कि क्या एक इंसान दूसरे इंसान की पूजा करेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक इंसान दूसरे इंसान से प्रेरणा नहीं ले सकता, कोई बात सीख नहीं सकता। हम इंसान दूसरे इंसानों से बातें सीख सकते हैं, अच्छी बात ले सकते हैं। बल्कि ऊपर वाले ने मार्गदर्शक भेजे, गाइड्स भेजे इंसानों को रास्ता बताने के लिए। कई बार जमाने जमाने में ऐसे कई सारे पैगंबर और रसूल आ चुके हैं, ऐसे इंसान जिन्हें ऊपर वाले ने चुना था और जिन्होंने इंसानों को सही रास्ता बताया। इस बात में हम इनकार नहीं कर रहे हैं, अच्छे इंसान गुजरे हैं जिन्होंने इंसानों को अच्छी अच्छी बातें बताई, इसका हम इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन पूजा किसकी होनी चाहिए, इबादत किसकी होनी चाहिए? क्या एक इंसान जो मोहताज है, भाई हमें खाना चाहिए, पानी चाहिए, नींद चाहिए, आराम चाहिए, ऊपर वाला कौन है? वह युत इमु वाला युतमु, वो तो खिलाने वाला है, उसे खाने की कोई जरूरत नहीं है। वला युहीतु ना बिशय मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, उसके ज्ञान उसकी नॉलेज को तो कोई एनकंपस नहीं कर सकता, घेर नहीं सकता, वो तो सब कुछ जानने वाला है। लाता खुजुहु सिनतों वला नौम, उसे ना नींद ना ऊंग काबू में करती है, वो खिलाने वाला है, वो तो हम सामने सारी चीजें देने वाला है, वो किसी पर निर्भर नहीं है, हम सब उस पर निर्भर है, वो तो अनिर्भर है। तो हम देखते हैं कि एक इंसान जो खुद निर्भर है, क्या एक दूसरे इंसान की पूजा करेगा जिसे खाने की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है, नींद की जरूरत है, आराम की जरूरत है, सर के ऊपर एक साये की जरूरत है, टॉयलेट भी जाने की जरूरत है, क्या एक इंसान दूसरे इंसान की पूजा करे? तो हम ये कह रहे हैं नहीं, इंसान इंसानों से अच्छी बातें जरूर सीख सकते हैं, इसमें हम इनकार नहीं कर रहे हैं। अच्छे मनुष्य गुजरे हैं, अच्छे लोग गुजरे हैं जिन्होंने इंसानों को सही अच्छी बातें बताई, इसका हम इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो मालिक और हमारे बीच का संबंध है ये डायरेक्ट है, क्योंकि हमारा मालिक जब परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है, तो वो हमारे परफेक्टली करीब भी है। कुरान में दिया है सूरह 50 आयत नंबर 16 कि वो हमारी शह रग, जो दिल के सबसे करीबी रग है, खून की जो रग वेन, जिसे इंग्लिश में जुगुलर वेन कहते हैं, उससे भी करीब हमारा मालिक है। सब कुछ देखने वाला है, सब कुछ सुनने वाला है, सब कुछ जानने वाला है, हमारे सबसे करीब तो वही है ना, उससे करीब कौन हो सकता है? हमारे प्रॉब्लम को समझने वाला है, हमारी बात को हर वक्त सुनने वाला है, गूंगे की पुकार को सुनने वाला है, दिल की बात को सुनने वाला है, उसके और हमारे बीच में कोई नहीं, हमारा उससे डायरेक्ट संबंध है। अब लोग इसमें क्या कहते हैं, कहते हैं कि जैसे ऊपर आने के लिए सीढ़ी चाहिए, तो हाँ ऊपर का माला दूर है इसीलिए सीढ़ी चाहिए, लेकिन ऊपर वाला तो हमारे सबसे करीब है। जज तक जाने के लिए लॉयर चाहिए, हाँ चाहिए, क्योंकि जज इंसान है, प्रॉब्लम समझता नहीं है, उसको समझाना पड़ता है, कई बार जज बिके हुए भी होते हैं, कई बार झूठी बातें भी होती है, लेकिन ऊपर वाला तो करोड़ों इंसानों को एक टाइम पे सुनता है, वो तो किसी पे नाइंसाफी नहीं करता, वो तो किसी का गलत नहीं करता। तो मेरे भाई और मेरी बहनें, आइए अपने आप को हम अपने मालिक से जोड़ें।